हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉयसी ब्लॉग। मैं हूँ जॉयसी, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो पर। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद अगेन एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज है छठ पूजा और मैं जा रही हूँ घाट पे। हमारे यहाँ मतलब एक ही घाट है, नदी, वो भी नदी का नहीं, एक तालाब है जो वहाँ उसके चारों तरफ मतलब पूरा घाट बांधा हुआ है। मैं जाने वाली हूँ वहीं पे। तो आप पूरे जयगढ़ में वहीं पे छठ पूजा होती है, तो मैं जाने वाली हूँ वहीं पे। तो अभी तक तो करीबन 1 बज रहे हैं, तो मैं बाबू को खिला वुला कर अच्छे से सुला दूँगी। देन उसके बाद मैं भी खाना वाना खा कर रेडी हो जाऊँगी। तब तक बाबू का भी नींद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वो ना बहुत बदमाशी कर रही थी। तो जल्दी से मैं उसे खाना वाना खिला कर मैं भी खाना वाना खा के फटाफट से मुझे भी रेडी होने, मतलब मैं कपड़ा वपड़ा सब कुछ निकाल के रखी हुई थी। तो मैं ना जल्दी से उसे सुला कर खाना खा कर रेडी होती हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो मैंने उसे ना सुला कर मैं रेडी हो गई थी। आप देखिए कैसा लगा ये लुक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ना फटाफट से कपड़े पहन कर बाबू को रेडी करा कर निकलती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर ना आ गई थी घाट पे। ये देखिए, बहुत घाट को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और उस तरफ ना प्रोग्राम भी हो रहा था, मतलब छठ माँ की अगर गाना वाना वो लोग गा रहे थे, तो ये इस तरफ दिया जला रहे थे और बहुत क्राउड था। मतलब हमारे जगह पे ना एक ही पूजा होती है ना, तो क्राउड ना बहुत होती है। तो मैं ना जैसे तैसे मतलब अंदर जा रही थी, अंदर जाने तक की जगह नहीं थी। ये देखिए, सिर्फ लोगों का सर ही दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा क्राउड थी। तो मैंने जैसे तैसे करके मैं पूरे घाट के करीब आ गई थी। ये देखिए, लोग अर्घ दे रहे थे, मतलब तब अर्घ देने का टाइम था। मैं बोल रही थी ना, मुझे बहुत देर, बहुत ही ज़्यादा मैं लेट हो गई थी। तो लोग ना धीरे धीरे अर्घ देना शुरू कर चुके थे, ये संध्या का अर्घ है, देना शुरू कर चुके थे। ये देखिए गाइस, चारों तरफ कितने लोग हैं। और ये ना यहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पर सूर्य भगवान है, भगवान भी है, महादेव भी है और गणेश जी भी है। इन तीनों की ही मतलब पूजा होती है इस मंदिर में, तीनों एक ही साथ विराजमान है। ये देखिए, कुछ लोग ना अर्घ देकर जा भी रहे थे। तो मैं हो गई थी यहाँ पर लेट बहुत ज़्यादा, तो मैं ना तब तक मतलब मैं दिया भी नहीं जलाई थी। लोग अर्घ दे रहे थे, निकल रहे थे, और अगर मैं अंदर चले गई थी तो बाहर जा नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो जैसे तैसे हम लोग बाहर आ गए थे, मेरे साथ मतलब मेरी मामा की लड़की भी थी। तो हम लोग बाहर, मैं उसे बोल रही थी मेरा थोड़ा वीडियो बना दे, और उसके बाद हम लोग निकल आए थे। मैं इस बार ना दिया ही नहीं जला पाई, तो सोची थी सुबह का जलाऊंगी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बाहर। तो अभी मैं जाऊंगी घर पे, क्योंकि वापस सुबह भी आना है, सुबह करीबन 3 बजे के करीब उठना है। तो जल्दी जल्दी घर जाकर मैं मतलब सोऊंगी। तो मैं यहाँ पर अभी बज रहे सुबह के करीबन 4:30 बजे करीबन थी। तो मैं रेडी होकर निकल गई थी, अकेले मैं नहीं थी, मैं बोल रही थी ना मामा की लड़की भी थी उस तरफ, वो रही मामा जा रहे थे। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा, मतलब मैं बोल के बता नहीं सकती, सुबह सुबह का नज़ारा इतना अच्छा होता है। अभी ना करीबन 4 या 4:30 बजे थी और बहुत अंधेरा था। और ये देखिए, मतलब धीरे धीरे सवेरा हो रहा था। तब जब तक हम लोग मतलब घाट के करीब पहुंच रहे थे, तब तक सवेरा हो चुका था। ये देखिए सवेरा हो रहा है यहाँ पर, और देखिए चारों तरफ कितना कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा था। और आज ना मतलब सुबह, मतलब सूरज भगवान भी मतलब सबकी परीक्षा जो लेते हैं ना, वो प्रूव होती है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ना करीबन सुबह के 5:30 बज रहे थे अभी, और देखिए अब तक मतलब सूरज नहीं उगा है। वैसे सूरज उगने का टाइम मैं देखी थी, सुबह के 6:30 था, मतलब 6:30 बजे तक सुबह सूरज उगने वाली थी। तो जब जो नहीं उगी करीबन 8 बजे मतलब सूरज को देखा जा सका है, मैं देखी थी टाइम। ये देखिए लोग मतलब अर्घ, सुबह का अर्घ देने के लिए सब लोग तैयार थे। यहाँ पर पानी में भी सब लोग उतर चुके थे। ये देखिए, वो यहाँ पर कुछ औरत थे और उस तरफ भी थे। यहाँ पर मैं ये देखिए, बहुत लोग मतलब पानी में उतर कर ध्यान लगा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी, मतलब इतनी ठंड थी ना, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रही थी, मतलब मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, और लोग पानी में उतर कर ध्यान लगा रहे थे। जो सबसे, मैं सच्ची में मैं मानती हूँ, जो हमारी सनातन संस्कृति की जो कठिन व्रत है ना, वो ये छठ पूजा ही है। 36 घंटे का व्रत, ऊपर से सुबह सुबह 3 बजे आकर पानी में उतर कर ध्यान करना छठ माँ की। सच्ची में जो लोग कर रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ,
मैं मेरे पास शब्द नहीं है उन लोगों के लिए जो ये व्रत इतनी कठिन व्रत कर रहे हैं। ये देखिए सुबह लोग सुबह का अर्घ यहाँ पर दे रहे थे। सच्ची में तो मतलब तब ना एक मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर आकर। इतने सारे लोग थे फिर भी मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ये देखिए कितने सारे दौड़ा है यहाँ पर, सर दौड़ा ही बोलते हैं लोग। पूजा भी कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, और उसके बाद ना सब लोग अर्घ देने के बाद सब लोग ना सिंदूर लगाते हैं। ये देखिए सब लोग सिंदूर जाते हैं, जैसे हम बंगाली में सिंदूर खेलते हैं ना दुर्गा पूजा के दशमी के दिन, यहाँ पर भी लोग ऐसे ही सिंदूर लगा रहे थे। मुझे पता नहीं था ऐसे भी सिंदूर लगाते हैं, मतलब मैं इस बार फर्स्ट टाइम देखी हूँ। आशीर्वाद देके सब अर्घ देके जा रहे थे। ये देखिए तो अब इतना थोड़ा थोड़ा घाट खाली हो रहा था, तो मुझे भी लगाया था सिंदूर। मैंने भी सबके आशीर्वाद ली। ये देखिए मुझे भी सिंदूर लगाया है, मैंने भी सबके आशीर्वाद लिए। बहुत अच्छा लगा था। आशीर्वाद लेकर सब हम लोग आ गए थे बाहर दिया जलाने। ये सरना कृति खड़ी हुई थी तो हम लोग ना दिया हुआ जला कर निकल गए थे। करीबन सुबह के 7:30 बज गए थे हम लोग निकलने हुए। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ घर, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।